नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस समय आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं, विजुअल है बेली चनाना कैनाल हड पुली के बिल्कुल सामने, जहां पर अवैध रूप से एक बिल्डिंग खड़ी की जा रही थी, वहीं पर हमारे कुछ सहयोगी वहां पहुंचे और वहां पर कवरेज की कि पुलिस द्वारा उस काम को रोका गया है। पहले कुछ महीने पहले की बात करें तो इसी तरह बेली चनाना में एक मस्जिद बनाई गई थी, उसे भी वहाँ पर उस काम को भी रोका गया था। इवन कि उस मस्जिद का जो लेंटर वो पड़ने वाला था, सारा जो सामान था, शटरिंग थी, उसे खुलवाया गया था। हमने वो पल पल की खबरें भी आप तक लाई थी। वहाँ पर किसी ने हल्ला नहीं किया, वहाँ पर किसी ने मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी नहीं की, पर ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं जो देखिए समय तस्वीर पर मोबाइल स्क्रीन पर, हमारा काम है पुलिस की कारकर्दगी को दिखाना। अगर पुलिस के सामने ही मीडिया कर्मियों पर इस तरह का व्यवहार होगा, गंदी गाली गलौच होगी, माँ बहन की गालियाँ दी जाएंगी, उन्हें इसके साथ हाथापाई किया जाएगा, उनके साथ मार पिटाई की जाएगी, तो खुद सोचिए आम जनता कहाँ पर स्टैंड करती है, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जहाँ पर पुलिस का अच्छे कार्य होंगे हम वो भी दिखाएंगे, जहाँ पर गलतियाँ होंगी वो भी दिखाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये गलती नहीं है, ये बड़ा बवाल बनकर सामने आ सकता था। इस युवक की, जो हमारा सहयोगी है, इसकी जान भी जा सकती थी। किस तरह से उन लोगों ने गुंडा स्टाइल में उस युवक, हमारे जो सहयोगी हैं, उनका मोबाइल पकड़ने की कोशिश की, उनके साथ हाथापाई की और गालियाँ, जिस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हमारे पास पूरे रॉ वीडियोस पड़ी हुई हैं, हम आपका साझा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक की कुछ गाइडलाइंस, हमें उसके एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जाना, अपने एथिक्स, जर्नलिज्म की एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जाना, पर इतनी माँ बहन की गालियाँ और पुलिस वाले वहाँ पर मुख्य दर्शक बने हुए हैं, यानी जैसे उनको लेना देना नहीं है। और वहाँ पर जब वो हाथापाई करने शुरू होते हैं, पुलिस की गाड़ी रफू चक्कर हो जाती है। तो हम सवाल करते हैं आज डीजीपी जम्मू से, एडीजीपी जम्मू से, आईजीपी यानी कि डीआईजी जम्मू से, एसएसपी जम्मू से, कि जब भी मीडिया की आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने काम दिखाने होते हैं, ये वही मीडिया है जो आपकी कारकर्दगी को आम जनता तक लाता है, बाकी दुनिया समाज तक लाता कि पुलिस हमारी कितना अच्छा काम कर रही है। अगर वहीं पर आपकी पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ होगा व्यवहार, होगा अभद्र व्यवहार, गंदी भाषा का प्रयोग करना, माँ बहन की गालियां देना, और पुलिस वहां पर मुख्य दर्शक बने हुए हैं, या तो यूं कहें पुलिस की भी मिली भगत थी उस हमारे सहयोगी को मार पिटवाने में, उन्हें गालियाँ देने में, तो कौन, क्या लगता है इस पुलिस वाले पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जनता भी अपना फैसला सुनाए। हमें मीडिया कर्मियों को जहाँ बुलाया जाता है हम वहाँ पर जाते हैं, मीडिया कर्मी कहीं भी बिन बुलाए नहीं जाते। कई बार पुलिस जो आला अधिकारी, उन्हें भी कई बार मीडिया कर्मियों पर टिप्पणी करनी पड़ती है कि मीडिया कर्मी यानी कि भ्रम फैलाते हैं, मीडिया कर्मी यानी पैनिक क्रिएट करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा आज ये रहेगा, कईयों को हमारे सवाल से शायद प्रॉब्लम भी होगी, कि पुलिस के ही अधिकारियों द्वारा मीडिया कर्मियों को इन्फॉर्म दिया जाता है, पुलिस के अधिकारियों द्वारा एसओजी का यहाँ सर्च ऑपरेशन है उन्हें बताया जाता है, मीडिया वाले को अंतर्यामी तो है नहीं, आंख बंद की और पता चल गया कि यहाँ पर ये होने वाला है। प्राइवेट यानी प्रिवेसी जो होती है, जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलने होते हैं, मीडिया वहाँ पहले पहुँचा होता तो ये ज़रूर कहेंगे कुछ ऑफिसर या कुछ पुलिस के कर्मचारी, चाहे छोटे हों बड़े हों, वाहवाही लेने के लिए इस तरह की चीज़ों को पहले मीडिया तक पहुंचाते हैं, और जब मीडिया वहां पहुंच जाती है और खबरें चलाती तब भी आपत्ति होती है, तो आपने मीडिया को समझा क्या है ये ज़रूर बताइए। और हम अपने मीडिया कर्मियों से भी कहेंगे कि हमें भी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी कि हमारा दायित्व क्या है, कि हर कोई जो भी उठेगा, जो भी को मुँह में आएगा, गंदी बातें बोल देगा, माँ बहन की गालियाँ दे देगा, एक तो आप खबरें बता रहे हैं, वहाँ जाकर पुलिस की कारकर्दगी बता रहे हैं, और पुलिस की मौजूदगी में वो लोग आपकी माँ बहन की गालियाँ देकर आप पर चले जाते हैं, और उसके बाद जब हम वहाँ के चौकी इंचार्ज, बेली चराना के चौकी इंचार्ज से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं। तो क्या आपके शर्मिंदा होने से जिन लोगों ने उन्हें मारा, मार पड़ी उस युवक को, हमारे जो सहयोगी को, वो वापस आ जाएगी? जो उसकी बेइज्जती हुई क्या वो वापस आ जाएगी? करिए अपने पुलिस वालों को भी इसी तरह से मार पड़ी है और कहिए माफ़ी मांगते हैं बाद में, क्या आप ऐसे बर्दाश्त करेंगे? अरे प्रेस्टीज हर एक की होती है, क्रेडिबिलिटी हर एक की होती है, इज्जत हर एक की होती है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, चाहे आम एक इंसान हो, चाहे वो दिहाड़ीदार हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो। तो आज कहीं ना कहीं मीडिया पर प्रहार खुलेआम हुआ है, और ये क्यों हुआ है, ये कहीं ना कहीं पुलिस की प्रणाली पर सवाल उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में जो भी वहाँ पर टीम बेली चराना की मौजूद थी,
उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मौजूदगी में जिन्होंने पल्ला झाड़ा और वहाँ पर भागते दिखते। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। दो लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे, पूरा पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँच जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। तो वहाँ पर तो दो चार लोग थे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ बन चुकी थी, वहाँ पर आप काबू नहीं पा पाए तो आप क्या बड़े बड़े दावे करेंगे। आज भले ही कई सारी बातें हमारी कड़वी लगी होंगी, जहाँ हमारी पुलिस हमारा गौरव है, अच्छा कार्य भी कर रही है, वहीं पर इस तरह के वर्दी में बैठे हुए लोग जो वर्दी को बदनाम करते, पूरे पुलिस विभाग का बदनाम करते, एक मीडिया कर्मी के साथ इस तरह से मारपीट हुई, गंदी गंदी गालियां मां बहन की दी गई। अगर यही बात पुलिस वाले के साथ हुई होती तो इस समय वो व्यक्ति अंदर होता। अब देखना है चौकी इंचार्ज जो है बेली चराना के, हमने भी उनको कॉल की थी, कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, क्योंकि हमारे सहयोगी की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, जिन्होंने पुलिस को कहा जाओ जाओ आपका काम खत्म हो गया और उनका काम शुरू हो गया, किस तरह से गुंडा स्टाइल में उन्होंने उन मीडिया कर्मी के साथ मारपीट की, अभद्र गालियां दी। हम ये नहीं कहते क्यों की नहीं, वो कानून का काम है देखना, पर ये जरूर कहेंगे पुलिस ने अपना दायित्व यहाँ पर क्या सही निभाया, ये बड़े सारे सवाल पुलिस के आला अधिकारियों से हमारे होंगे। आपको भले ही हमारी बातें कड़वी लगेंगी, पर बताइए जिन जो पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी, उन्होंने अपनी वर्दी की गरिमा को बनाए रखा, बरकरार रखा, उन्होंने अपनी पुलिस का दायित्व निभाया, वर्दी का दायित्व निभाया जो उनके तन पर थी। यानी इस तरह से पल्ला झाड़ा लग रहा था जैसे ग्रेटर कैलाश, फिर से एक बार याद दिला दें, ग्रेटर कैलाश मर्डर केस में भी यही हुआ था, पुलिस की मौजूदगी में जो वहाँ थे जिनकी जान चली गई थी, उनकी किस तरह से अवतार सिंह जी की जान चली गई थी, इसी तरह पुलिस की मौजूदगी में। तो यहाँ पर भी वही रिपीट हुआ, फिर से यहाँ पर भी ऐसा हो सकता था, और किस तरह से उनकी जान बची हमारे सहयोगी के भगवान ही जानता था, पर उन्होंने पूरी तैयारी थी की हुई थी, वो अपना काम कर रहा था, उसने किसी को गाली नहीं दी, गलोच नहीं दिया, वो साइड पे काम कर रहा था। अगर आपको आपत्ति थी तो पुलिस स्टेशन आम जनता के लिए भी आप जाते, वहाँ कंप्लेन करवाते सहयोगी के खिलाफ, पर आपने मारना पीटना शुरू कर दिया और पुलिस मुख्य दक्षर बनती रही। साफ तौर पर दिख रहा था एक बार फिर से अवतार सिंह मर्डर केस की फिर से वो कहीं ना कहीं याद आ गई जब ये घटना हुई। और इसी तरह से ये ज़रूर कहेंगे कि पुलिस ऐसे कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर भी कार्रवाई जो होनी चाहिए जो अपनी वर्दी के ड्यूटी के समय लापरवाही बरतते हैं। कौन है अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी कि किसे कौन है जवाबदेही इस पूरे हादसे का, इस पूरी घटना का, कि एक मीडिया कर्मी जो अपनी खबर कर रहा है अगर वो सुरक्षित नहीं है, वो खबर कर रहा, कल को हो सकता है हम भी खबर करें, यहाँ पर हमें भी कोई आके मार पिटाई कर दे, जहाँ पर पुलिस कहीं एंटी ड्राइव चलती वहाँ पुलिस होती है, हम वहाँ कवरेज करने जाएँ, वहाँ हो सकता पुलिस के सामने हम पर भी हमला हो जाए, किसी पर भी हमला हो सकता है। आज ये सिर्फ एक पत्रकार बनी, ये पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी पर प्रहार हुआ है। कोई बोले या ना बोले, हमारा जो काम है हम बोलेंगे, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। यहाँ पर सवालिया निशान पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठता है। अगर पुलिस वहाँ पर पहुँची थी तो पुलिस को भागते क्यों निकलना पड़ा वहाँ से, क्यों उस मीडिया को, वहीं मीडिया सहयोगी के साथ जो बदतमीजी कर रहे थे वहीं इसको छोड़कर भागे। भगवान ना करे उस मीडिया सहयोगी के साथ गलत हो जाता, उसकी जान पर बनाती, उसकी जान भी जा सकती थी, तो क्या पुलिस विभाग उसकी जिम्मेदारी लेता। बड़े सारे सवाल हमारे हैं, हमारे सवाल बड़े ही कड़वे होंगे पर 100% ये सत्य होंगे। बड़ी सारी चीज़ें हमारे पास जो हम अभी लाना नहीं चाहेंगे, पर समय आने पर आप सब जानते हैं, हमारी जनता भी जानती है, ना हम डरते हैं ना पीछे हटेंगे, सारी चीज़ों का खुलासा ज़रूर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारा ये पहले रहता है, हम उनमें से नहीं हैं कि कहेंगे हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। हम अगर जो कहेंगे वो कर कर भी बताएंगे, अगर सुधर जाएंगे, अपने काम में सुधार लाएंगे तो शायद हम ना करें, अगर नहीं सुधरेंगे तो हमें एक्सपोज करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर पुलिस ने भी अपने कुछ मीडिया रखे हुए हैं, ये भी बंटे हुए हैं, बांट दिया है इन्होंने भी, फिर बाद में मीडिया पर ही आप सवाल उठाते हैं। पूछिए अपने अधिकारियों से, पूछिए हमारे कर्मचारियों से कि रेड पर पड़ती नहीं तो मीडिया, कुछ मीडिया वहाँ कैसे पहुँच जाता है। ये बड़े सारे सवाल हमारे मन में थे जो आज हमें करने पे मजबूर किया है। पहले उन्हें क्यों खबर हो जाती है, क्या पूरे इस जम्मू में 3 या 4 ही मीडिया हैं, हमें उन मीडिया कर्मियों से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने अपना काम किया, अगर कोई हमें भी बुलाएगा हम भी जाएंगे। पर सवाल बड़ा ये है कि आप मीडिया के साथ, मीडिया में ही लड़ाई फूट डलवा रहे हैं, आप मीडिया के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और बाद में मीडिया पर ही सवाल उठाते हैं, तो गलती जनाब आपकी खुद की है।
पहले खुद को सुधारिए, फिर दूसरों पर आप इल्ज़ाम दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वो लड़का जो अपना काम कर रहा था उसने दिखाया, क्योंकि अगर एक बेली चराना में अवैध और भी कई बिल्डिंग्स उन्हें रोका गया, बंद करवाया गया काम को, फिर ये अवैध तरीके से ये बिल्डिंग क्यों बन रही थी बेली चराना में। तो उसी के चलते यहाँ पर ये युवक जो कवरेज कर रहा था, इस पर जिन्होंने अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई, उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ माँ बहन की अगर गालियाँ आप सुनेंगी आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि कैमरा ऑन था, किस कदर इतनी वाहियात और गंदी गालियाँ दी है। ये गालियाँ उन्हें नहीं, हो सकता उनके संस्कार ही ऐसे हों, पर उसके बाद जो उन्होंने मार पिटाई की है, इस पर कहीं ना कहीं पुलिस पर बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। इसका जवाब कौन देगा? आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।